हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चॉप शॉट पर। दोस्तों, यूपी एबीपी यानी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। दोस्तों, इंजीनियर के पदों पर भर्ती हो रही है, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। जी हाँ, बीबीटेड डिप्लोमा यहाँ पे एलिजिबल है। दोस्तों, सैलरी 35,000 तक बताई गई है और डायरेक्ट सेलेक्शन होने वाला है। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन ब्रांच एलिजिबल है, सब कुछ जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और वैकेंसी भी 100 के ज़्यादा है यहाँ पे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक और शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सेवा योजन कार्यालय के थ्रू जो है माध्यम से आउटसोर्स यानी जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्स के सहायक अभियंता सिविल विद्युत अवर अभियंता सिविल विद्युत के पदों पे मानव संसाधन आवेदन आमंत्रित संबंधी सूचना। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में सहायक अभियंता सिविल विद्युत के 20 पद, अवर अभियंता सिविल विद्युत के 162 पदों पर यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से ली जानी है। जेम पोर्टल पर जो है आप फर्म को चयनित किया गया है। फर्म द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर आपको आवंटित किया जाए, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर को सहायक अभियंता बोलते हैं बीबीटेक सिविल में, और यहाँ पे देखिए AICTC अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज बोला गया एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ, एक साल का भी है तो कर सकते हैं। 35,000 रुपये महीना दिया जाएगा आपको। 16 पद हैं और विद्युत में जो है इलेक्ट्रिकल में, तो आपको इलेक्ट्रिकल से जो है आपका बीबीटेक होना चाहिए। अवर अभियंता जिसको JEE बोलते हैं, डिप्लोमा होना चाहिए आपका जो कि सिविल के लिए ही है, और विद्युत में इलेक्ट्रिकल के लिए 22,000 महीना जो है यहाँ पे डिप्लोमा वालों को दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे अवर अभियंता यानी डिप्लोमा सिविल के लिए ही है, 150 पद हैं। उक्त पदों पे आवेदन मात्र सेवा योजन पोर्टल के थ्रू ही होगा, अन्य पदों को जो है मान्य नहीं किया जाएगा। सेवा योजन पर आवेदन के आवेदक को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके उपरांत मेरिट के आधार पर आउटसोर्स के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और कुछ बताया नहीं गया है कि कितने सालों का है, ऐसा कुछ है। ठीक है, आउटसोर्स बताया गया, लेकिन है जॉब कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे जो है, मैं आपको सेवा योजन पोर्टल खोल कर दिखा देता हूँ। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और प्रबंधक देखिए बोला गया है ब्लू टाइगर्स सिक्योरिटी गार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जिनका भी जो है सेवा योजन कार्यालय यूपी सेवा योजन पर जिनका रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं होगा, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड क्रिएट करके आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, पहले आपको अपनी आईडी बनानी होगी। मेरे पास यहाँ पर लॉगिन आईडी नहीं है, तो मैं आपको दिखाता, लिंक मैं दे दूँगा। आप यहाँ पर लॉगिन करके, मतलब रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करिएगा, जिसका मैं लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप लॉगिन करेंगे, आपको जैसे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा करके फिल करेंगे। लैपटॉप से करिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, मोबाइल में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इस साइट में, तो लैपटॉप या साइबर कैफे से करवा लीजिएगा। लिंक मैं दोनों का प्रोवाइड कर दूँगा, आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ डाउट होता है कमेंट में बताएंगे, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप जो है डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा मौका है, जरूर से अप्लाई करिए। जय हिंद, जय भारत।